जैन दोस्तों, 11 अप्रैल का पहला शिफ्ट छूट चुका है। सर क्या नाम है आपका? राहुल खत्री। क्या स्कोर है आपका? 79। अच्छा, आपकी लेब का आईएस स्कोर क्या था? वो तो पता नहीं, पर लगभग 125 के समथिंग। 125। यस यस। अच्छा, अगर मैं पेपर की बात करूँ, आज के पेपर का लेवल के साथ इजी था, मॉडरेट था, फिर आया था? इजी तो नहीं था, इजी आउट ऑफ था, जिसको कड़ा उसके भारी। कितने महीने की दे रही थी आपकी? दो महीने की। पेपर का क्या एक्सपीरियंस रहा आपका? ये कि वो पढ़ाई करना पड़ेगी, जब निकाल पाएंगे ऐसे तो नहीं। किस सब्जेक्ट का वेटेज ज़्यादा था? मैथ्स और इंग्लिश का ज़्यादा। कितने लगभग क्वेश्चन थे इन दोनों को मिला के? करीबन 75 ऊपर। अच्छा, मैथ्स में किस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन आ रहा है? मैथ्स में तो वो जो अपने 9th, 10th और 8th में जो चलता है उसी एलिमेंट्री प्लस एडवांस। ठीक है सर, थैंक यू वेरी मच। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम पुष्पेंद्र है। क्या स्कोर है आपका? मेरा 125 रहा। अच्छा, आपकी लैब का हाईएस्ट स्कोर क्या था? लैब में ऐसा किसी ने पूछा ही नहीं, हाईएस्ट किसका है। कैटेगरी क्या है आपकी? ओबीसी। अच्छा, आज के पेपर का लेवल कैसा था? लेवल की मतलब मॉडरेट और टू डिफिकल्ट के बीच में था, बाकी जैसे हिंदी का पेपर था वो इजी आया था, बाकी मैथ की थोड़ी टफ थी, मतलब कैलकुलेटिव ज़्यादा आ रही है, मैथ ज़्यादा टफ तो नहीं आ रही, कैलकुलेटिव बोल कैलकुलेटिव और मैनेजमेंट भी ज़्यादा टफ नहीं था, मॉडरेट था। हिंदी सब में सरल थी, ऑटो में देखा जाए तो हिंदी ओवरऑल सरल थी, बाकी इंग्लिश भी मॉडरेट रही अपने। कंप्यूटर के बारे में? कंप्यूटर भी मॉडरेट रहा, कंप्यूटर ज़्यादा टफ नहीं था, मतलब जिसको पता है उसे पता है, पढ़ा है जिसने, बाकी ऐसा कुछ सोचने वाला नहीं था, पता है तो आता है, नहीं आता है तो नहीं है। कंप्यूटर के किस टॉपिक से थे? कंप्यूटर में इनपुट आउटपुट वाले थे, उसमें पूछा था, चार ऑप्शन दिए थे, इसमें से कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है, बाकी दे रखे थे। और उसमें कोड माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस से पूछे थे दो सवाल, एक सवाल एक्सेल से आया था कोडिंग के लिए, और एक लिनक्स से पूछा था, उसमें कोड दे रखा था, बताना था कि इसमें कौन सा ऑपरेट नहीं करता है, इस टाइप के सवाल थे थोड़े। अच्छा, GKGS में MP का वेटेज कितना था? MP का वेटेज कुछ नहीं था, MP के एक भी क्वेश्चन नहीं आया। GKGS में क्वेश्चन कहाँ से आया? थोड़ा सा करंट से ज़्यादा आए थे। क्वेश्चन याद रहे GKGS के? जैसे कि उन्होंने करंट के भी एकदम ऐसे तो याद नहीं आ रहा, स्पोर्ट्स से आए थे, दो क्वेश्चन थे जी। मतलब एक तो जो पूछा था कि एक जो खिलाड़ी है जिसकी अभी हाल ही में मृत्यु हुई है, वो कौन से ऑस्ट्रेलिया या इंग्लैंड का बैट वो मतलब प्लेयर था, तो वो क्रिकेट था, क्रिकेट वास्ते गेंद वास्ते उसमें ऑप्शन दे रखे थे, सेन वार्ने या ब्रेडली, सेन वार्ने का था, सेन वॉल्फ वाल था, तो उसमें बताना था कौन से कंट्री का था बैट्समैन था, या ऑस्ट्रेलिया का बैट्समैन था, तो पता था। ओके, और एक कोई और आया था करंट अफेयर से, वो याद नहीं आ रहा एक्चुअली में भी। अच्छा, साइंस के बारे में थोड़ा सा बता दीजिए आप। साइंस भी ठीक था, मतलब ऐसा डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं थे, मतलब थोड़ा जिसमें पढ़ा है, एनालिटिकल पढ़ा है, वही बना पा रहा है। अच्छा, एनवायरमेंटल साइंस था या फिर? नहीं, एनवायरमेंटल तो नहीं था, एक दो ही क्वेश्चन थे एनवायरमेंट से रिलेटेड, बाकी तो मतलब बायोलॉजी से दो तीन क्वेश्चन थे, फिजिक्स से भी थे, फिजिक्स केमिस्ट्री दोनों से पूछा गया था, केमिस्ट्री में जैसे CO दे रखा था और एक का डूबार पूछा था कि इसमें ऑक्सीजन का डूबार कितना होगा ग्राम में, स्टेप से दे रखे थे थोड़े, और तो बस ऐसे ही थे क्वेश्चन। अच्छा, पेपर के पैटर्न में कोई बदलाव देखने को मिला आपको? देखो, बदलाव तो ऐसा है कि पहले जो सवाल ऐसा बोल रहे थे कि मैथ्स के ज़्यादा आ रहे हैं, 65-70 आ रहे हैं, लेकिन अभी तो ऐसा नहीं हो रहा है, 60 के अराउंड रह रहे हैं, लेकिन जैसे ऐसे डिफर कर रहा है उसका, पहले हिंदी थोड़ी बीच में टफ पूछ ली थी, लेकिन इस बार इतनी इजी कर दी कि थोड़ा वो हो रहा है, मतलब चेंज तो आ रहा है, हर बार देख चेंज मिल रहा है देखने को। सभी सेक्शन का पोर्शन अलग अलग था, सभी मिक्सअप थे? नहीं, सभी में अलग ही अलग था, सब सेम नहीं था, अलग ही अलग था, सभी के सेक्शन डिवाइड। आने वाले विद्यार्थियों के लिए क्या आपका यही किस प्रकार से तैयारी करें? कुछ नहीं, जो अपनी तैयारी कर रहे हैं उसको रिवाइज करें, बाकी टेस्ट पेपर लगाएं। टेस्ट लगाए थे आपने? हाँ बिल्कुल लगाए थे मैंने, बिनर्स के और टेस्ट बुक के बीच टेस्ट लगाए थे। इसका फायदा मिला? हाँ बिल्कुल मिला, फायदे से बस ये है कि मैंने स्पीड मेंटेन कर ली थी, टाइम मैनेज कर लिया था, मैथ्स के सवाल जैसे सब ये अटैम्प्ट कर लिया, मतलब पूरा पेपर अटैम्प्ट करने के बाद मेरे पास 25 मिनट बच गए थे। ठीक है सर, थैंक यू वेरी मच। क्या नाम है आपका? क्या स्कोर है आपका? 85। कैटेगरी क्या है आपकी? अच्छा, आपकी लैब का आईएस स्कोर क्या रहा? 151। आज का पेपर का लेवल कैसा था? इजी था, मॉडरेट था? अच्छा था लेवल। अच्छा, आपके कितने महीने की तैयारी थी? नहीं, तैयारी नहीं थी, मैं वर्क जॉब की तैयारी कर रही हूं। ठीक है मैम, थैंक यू वेरी मच। क्या नाम है सर आपका? विवेक। क्या स्कोर रहा आपका? 105। क्या कैटेगरी क्या है आपकी? मैंने इंजीनियरिंग किया और जर्नलिज्म किया, तो जर्नलिज्म मैं APRO के लिए पेपर दे रहा हूं। अच्छा, आपका क्या नाम है सर? शुभनाम आशीष पांडे। क्या स्कोर है आपका? 118। क्या कैटेगरी आपकी? मैं EWS। अच्छा, EWS। अच्छा, कैटेगरी पूछ रहे हैं, मैंने सुना डिग्री पूछ। अच्छा नहीं, कैटेगरी। अच्छा, आज कैटेगरी जनरल है। आपकी लैब का हाईएस्ट स्कोर क्या रहा आज का? मैंने जो देखा वो 125 या 128 के समथिंग था जी। अच्छा, आज के पेपर के लेवल की ऑल ओवर में बात करूँ तो कैसा था? इजी था, मॉडरेट था, फिर आया था लेवल?
मॉडरेट टू टफ था पेपर, मॉडरेट टू टफ था, कुछ पोर्शन बहुत ज्यादा इजी थे जी, बाकी मीडियम टू टफ थे। अच्छा, जीके जीएस में बहुत सारे बच्चे बहुत परेशान, टफ आ रहा है। कहां से आ रहा है, एमपी का वेटेज कितना था जीके जीएस में? एमपी आज नहीं था, मतलब ऑप्शंस में एमपी दिख रहा है, बाकी एमपी से नहीं पूछ रहे हैं एमपी क्वेश्चंस। अच्छा, ऑल इंडिया लेवल पे आ रहा है, करंट अफेयर के क्वेश्चन देखने को मिले, इंटरनेशनल इंटरनेशनल आया है, तो कॉफी उत्पादक देश भी पूछा है, और ईरान में कौन सी संपदा पाई जाती है उससे संबंधित, क्यों वहाँ कुआ है, क्या है, ऐसे भी क्वेश्चन पूछा गया है अंतरराष्ट्रीय सामान्य ज्ञान से। अच्छा, साइंस के बारे में थोड़ा सा बता दीजिए, साइंस बायोलॉजी आज टफ थी, उसमें क्वेश्चन पूछा था मॉस का जीवन चक्र कितने चरण, कितने चरणों में होता है, मॉस से रिलेटेड क्वेश्चन, और बाकी सारे इजी थे। एक विटामिन डी का था, प्रकाश, सूर्य के प्रकाश से कौन सा विटामिन, सभी क्वेश्चंस थे, और केमिस्ट्री का एक न्यूमेरिकल था। एनवायरमेंटल साइंस से देखने को मिला, एनवायरमेंट से आ रहे हैं क्वेश्चंस, हां था, बायोडिग्रेडेबल प्रदूषक का था। अच्छा, मैथमेटिक्स में किस टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चन देखने को आपको मिले? लाभ हानि बट्टा परसेंटेज, परसेंटेज बहुत ज्यादा है, परसेंटेज लाभ हानि चतुर्भुज के एडवांस में, इसमें कुछ की चार क्वेश्चन एडवांस पे, ट्रिग्नोमेट्री की दो क्वेश्चंस थे, डीआई डीआई भी थे, दो क्वेश्चंस थे, डीआई इजी था, इजी था। अच्छा, किस सब्जेक्ट का वेटेज ज्यादा देखने को मिला आपको? मैथ्स, मैथ्स रीजनिंग, कितने क्वेश्चन लगभग? संख्या तो नहीं बता सकते, लेकिन हाँ अधिकांश भाग वही 15-20 मान लीजिए। सभी सब्जेक्ट का पोर्शन डिवाइड था कि सभी मिक्सअप क्वेश्चन मिल रहे थे? बीच में थे मिक्सअप, शुरू में तो हिंदी और इंग्लिश तो अलग अलग थे जी, बाकी बीच में थोड़ा मिक्स थे। अच्छा, मैनेजमेंट सब्जेक्ट इसी बार ऐड हुआ, तो उसका क्या एक्सपीरियंस रहा आप लोगों का? मैनेजमेंट इजी था, आज अच्छा था, आज इजी था, और जो थ्योरेटिकल पोर्शन ज्यादा था, वो डायरेक्ट जो थ्योरी के क्वेश्चन थे सीधे सीधे वही आए थे, सिद्धांतों पे आधारित, जैसे प्रशिक्षण से क्या होता है, नियंत्रण और निर्देशन से संबंधित पोर्शन भी था, इकोनॉमिक पोर्शन भी था। कंप्यूटर के बारे में, कंप्यूटर टफ था आज, टफ था, मैग्नेटिक ट्रिप का साइज पूछा था, कितने बाई कितने की है, और भी बहुत सारी चीजें, जो पाइथन सी प्लस प्लस पूछी थी, कोडिंग, कोडिंग और कोडिंग वैसे भी बेसिक थी, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर से थे, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर एक था, हार्डवेयर इनपुट डिवाइस ये सब था, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर एक क्वेश्चन था। अच्छा, आपकी कितने महीने की तैयारी थी ऑल ओवर, कितने महीने की तैयारी थी आप लोगों की? डेढ़ महीने की। अच्छा, ठीक है सर, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद एंड कॉन्ग्रेचुलेशन, धन्यवाद, ठीक है ना। तो दोस्तों, कुछ कैंडिडेट थे जिन्होंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया, उस एक्सपीरियंस का फायदा आपको जरूर आने वाले एग्जाम में पेपर में देखने को मिलेगा। अगर आपको भी एमपी पुलिस, एमपीएसआई, एसएससी, डीडी और व्यापम की सभी एग्जाम की तैयारी करना है, तो कोर्स अकेडमी में जल्द ही ऑफलाइन बैच स्टार्ट होने वाले हैं, आप ज्वाइन कर सकते हैं, नंबर है 9826049151। जय हिंद, जय भारत।